अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चावलों की खीर। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है हमारा दूध। फ्रेंड, जिस तरह से मैं बनाऊँगी आप भी उसी तरह से ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी रेसिपी खीर की। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब चावल ले लिए हैं, कच्चे वनस्पति चावल लिए हैं मैंने, और इनसे खीर हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होने वाली है। तो फ्रेंड, जिस तरह से मैं खीर बनाने वाली हूँ उस तरह से रबड़ी की तरह बनकर तैयार होएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं इनको एक मिक्सी के जार में थोड़ा सा तरतरा करके पीस लूँगी, हमें पाउडर नहीं बनाना। तो फ्रेंड, मैंने इस तरह से पीस लिए हैं और देखिए फ्रेंड, दूध कितने से अच्छे से बॉईल होता आ रहा है। दूध में बॉईल होने के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी, इतने में चावल बहुत अच्छे से वॉश कर लूंगी पानी से। तो फ्रेंड, दूध में बॉईल आ गया है, अब मैं चावल ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड, अब मैं इसको चलाते रहूंगी, हमें इसको चलाते रहना है जिससे कि हमारे खीर लग ना पाए। और फ्रेंड, जिस बर्तन में हमें खीर बनानी चाहिए उसका तला मोटा होना चाहिए बर्तन का। तो मैंने यहाँ पर एक भारी तले का पैन लिया है, तो मुझे इसको 20 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकाना होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, देखिए 15 से 20 मिनट के बाद कितने अच्छे से पक गई है खीर हमारी, आधी पक गई है, और हमें 10 मिनट के लिए उसको और पकाना है। तो फ्रेंड, मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, आधा टेबल स्पून। इलायची पाउडर से बहुत ही जायका आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, हमें खीर में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अब मैं इसी के साथ थोड़े से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये भी ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड, मैंने 2 टेबल स्पून किशमिश लिए हैं, 2 टेबल स्पून बादाम, 2 ही टेबल स्पून मैंने लिए हैं काजू, अब मैंने ऐड कर दिए हैं। आप मीठा इसमें अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हो, आपको कितना मीठा पसंद है। तो यहाँ पर मैं 1 कप के करीब मीठा डाल ली हूँ। तो फ्रेंड, मुझे इसको अब हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए और पकाना है बहुत अच्छे से, फिर हमारी खीर बनकर तैयार होगी और आप ठंडी करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लगती है। अगर आपको इसके साथ पूरियाँ पसंद है तो आप पूरी बनाकर खा सकते हो इसके साथ, पूरी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही अच्छी। तो देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से चावल मेरे बहुत ही अच्छे से हो गए हैं और खीर में भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि खीर बनकर मेरी है तैयार। मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, रबड़ी की तरह बनकर तैयार हुई है, कलर भी ऐसे ही आ रहा है। तो आप इसको ठंडी ठंडी करके परोसें, मेहमानों के सामने बना सकते हो आप इसको। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको परोस कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी खीर की रेसिपी, और मुझे बहुत सारा प्यार दें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और मुझे बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़। अगले रेसिपी के लिए बाय बाय।